भाई अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तुरंत चिमटा बजाना शुरू करते हैं। जितने भी सेनापति भेजे हैं एक एक को चेक करें, तुरंत चिमटा बजाना शुरू करते हैं। किसी को प्रेत को ना बख्शे सेनापति, तुरंत चिमटा बजाना शुरू करते हैं। एक एक को चेक करते हुए नर हो नारी हो बूढ़ा हो बच्चा हो किसी को ना बख्शा जाए, तुरंत मार लगाई जाए सेनापति। एक एक को चेक करते हुए जाए, बुरी तरह सिर में मार लगाइए, इनके माथे में चिमटा मारे, एक एक को चेक करते हुए सेनापति, किसी को भी ना बख्शे। उठा उठा के इनको पटक दो, किसी को भी बख्शे ना सेनापति, एक एक को चेक करें, घनघोर मार लगाइए इनमें। बहुत घरों को इन्होंने बर्बाद करके छोड़ा है, इन्हें बुरी तरह मार लगाइए। एक एक को सेनापति चेक करते हुए जाएं। मारक के दोनों सेनापति वहां प्रेत मारना लगाए, उसे पकड़ के यहां तक लेके आइए। मारक के सेनापति दोनों पकड़ के यहां तक लेके आइए, प्रेत को मारते हुए पटकते हुए यहां तक लेके आइए, वहां मारना लगाए, वहां से पकड़े यहां तक लेके आए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए। एक एक को चेक करें, किसी को भी पकड़ने की कोशिश ना करें, एक एक को चेक करते हुए जाएं।
इधर, बाकी सारे सेनापति बाहर निकल आइए, एक तरफ के दोनों हाथों में चिमटा पकड़ के लग जाइए, इन खेतों में उठा उठा के इनको पटक दीजिए पूरी तरह से, पूरी तरह से माल लगाइए, सारे सेनापति लग जाए, एक तरफ से लग जाइए पूरी तरह से माल लगाइए, किसी को भी बख्शे ना, जितने भी तोते हैं तब तुरंत में माल लगाई जाए। सेनापति माल लगाना बंद कर दे, सारे सेनापति ध्यान से सुन ले, कोई भी सेनापति किसी भी प्रीतम माल ना लगाए, तुरंत माल लगाना बंद कर दे सारे सेनापति, ग्राउंड में सेनापतियों को छोड़ा था वो बाहर निकल के आ जाए, मारक वाले सेनापति बाहर आ जाए, कोई भी सेनापति किसी प्रीतम माल ना लगाए, तुरंत माल लगाना बंद कर दे, पुण्य से दरबार लगाया जाएगा, जैसी दास की आज्ञा हो वैसा पालन करना, सारे सेनापति माल लगाना बंद कर दें। बोलिए प्रेम प्रधान सरकार की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। सभी सेनापति अपने स्थान पर चले जाएं, कोई भी सेनापति किसी भी प्रेत मार न लगाए, सारे सेनापति अपना चिमटा लेके अपने अपने स्थान पर वापस चले जाएं, जब पुनः से आवाज दें तब उपस्थित होना, कोई भी सेनापति किसी भी प्रेत मार न लगाए। भैया ये जिसके भी परिवार से ये नर नारी के रूप में जो भी जिनके ऊपर भी प्रेत वास होता है,
आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन्हें धाम की पेशी मंगलवार को कराते रहें और पेशी में जो भी जितने भी मंगल आपको बताए जाए उतने मंगल आप पेशी करा दे पुकिन के समय। इसमें बहुत ऐसी बाधाओं वाले प्रेत की सवारी वाले नर नारी के रूप में आए थे। यहाँ हैं कुछ लोग ऐसे जिन पे इसी तरह भूत प्रेत था, आज वो पुनः से उनका घर ठीक हो गया। एक बार हाथ उठाना जो भी लोग हैं इनकी तरह ये भी पुनः से ठीक हो जाएंगे। और आप सबसे मेरा कहना है कि प्रेमपरा धाम सरकार का जो भी आपको नजरों को चमत्कार दिखाई दे उस पर भरोसा करें। किसी के कहने सुनने में ना आए, जो आपको उनका चमत्कार दिखाई दे उस पर भरोसा करें। बोलिए प्रेमपरा धाम सरकार की जय हो। किसी को भी कोई भी किसी तरह की पीड़ा है आप एक कार्य जरूर शुरू कर लें। एक पाठ अपने अपने घर पर सभी लोग किया करें। हमारे बाबा का पाठ हनुमान चालीसा का सभी लोग एक एक पाठ किया करें। कितने लोग करते हैं अब तक और जो नहीं करते हैं उनसे आज मेरा कहना है कि एक एक पाठ 24 घंटे में जब समय मिले तब एक पाठ जरूर किया करें। ठीक है सभी। और किसी किसी के यहाँ कुछ लोग ये भ्रमित कर देते हैं कि माताओं को पाठ नहीं करना चाहिए हनुमान चालीसा का। गोस्वामी जी ने जब इसकी रचना की तो गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया, उन्हें मालूम था कि कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो पूजा पाठ पर भी रोक लगा देंगे। तो उन्होंने लिखा कि जो सतवार पाठ कर कोई, उन्होंने वहां ये नहीं लिखा कि जो नर या नारी, जो में सब, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी। ये उन्होंने कहा। तो जो भी है आप सभी अवश्य पाठ किया करें। अब भगवान राम की स्तुति कर लें उसके बाद आरती कर लें।